हेलो एवरीवन, इस वीडियो में फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी चैप्टर कॉल्ड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। मैंने पहले ही सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए अकाउंट्स के तीन थ्योरी के लेक्चर्स डाल रखे हैं। एक में मैंने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंटरनल कंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, प्री पोस्ट को कवर कर रखा है, एक में लिक्विडेशन डिबेंचर्स को कवर कर रखा है और एक में पूरे शेयर कैपिटल को कवर कर रखा है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर आपको सीएस एग्जीक्यूटिव सेकेंड ग्रुप में अच्छा करना है, यू नीड टू फोकस ऑन अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट ऑल्सो। ILGL एंड अकाउंट्स, दो सब्जेक्ट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा सो दैट यू कैन क्रॉस दैट 150 लाइन। बिकॉज सेबी में कहीं ना कहीं, जिसको आप लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं अच्छा स्कोर करने में। अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना ईजी है इफ बच्चा ऑडिट और कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी को भी देख कर जाए अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, प्रैक्टिकल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं बट थ्योरी और ऑडिट पे ध्यान ही नहीं देते हैं पढ़ाई में। तो उसके कारण क्या होता है, जो 55 मार्क का पेपर जो इस दोनों चीज से कंसिस्ट करता है, वही बच्चे का पेपर अच्छा नहीं जाता। मैं बार बार बोलूंगा, जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है उतनी ही थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अभी आज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लेक्चर आप देख रहे हो। नेक्स्ट लेक्चर या वीडियो में विल डिस्कस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से हर टर्म में एक क्वेश्चन पक्का आता है एंड बच्चों को वो लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग दैट। और एक मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पूरा थ्योरी का कवरेज आपको मिल जाएगा। तो प्लीज आप चैनल्स के सारे सीएस एग्जीक्यूटिव के वीडियोज रेफर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड जितना स्प्रेड कर सकते हैं करें, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं, दिल चाहिए। डन, स्टार्ट करते हैं अपने पढ़ाई करना। आज का चैप्टर अपना कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। चैप्टर नंबर आपका इंस्टीट्यूट के मैट का अगर आप चेक करो, एक अलग चैप्टर है। ये चैप्टर थ्योरी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बहुत कम पूछता है इंस्टीट्यूट। एक बार वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का सम दे रखा है उन्होंने, एक बार इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का सम दिया है। थ्योरी को डिवाइड करूं तो टोटल चैप्टर में चार पार्ट्स रहेंगे। पहला पार्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है। दूसरा पार्ट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, तीसरा पार्ट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड लास्ट पार्ट एमवीए एंड एसवीए। एंड कोर थ्योरी चैप्टर है, कोर। मेरे को लगता है दिसंबर के टर्म में 5 से 8 मार्क का थ्योरी इस चैप्टर से दिया जाना चाहिए। स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल। रिपोर्टिंग का मतलब होता है आपको किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। फाइनेंशियल स्टैंड फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज नथिंग बट रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी टू द स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर वर्ड में डिफरेंस है। स्टेक होल्डर्स इंक्लूड्स एनीवन जिसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, शेयर होल्डर्स इज वन अमॉन्ग देम। तो जब एक एंटिटी अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है और कम्युनिकेट करती है अपने स्टेक होल्डर्स को, उसको अपने बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्मली द मेन फंडा या द मेन रीजन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज इफिशियंट डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, वो डिसीजन मेकिंग कर सके, इसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के दो पहलू है। एक होता है इंटरनल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट अपने मैनेजमेंट के लिए बनाते हैं फॉर देयर डे टू डे डिसीजन मेकिंग, दे आर नोन एज इंटरनल रिपोर्टिंग। और जो रिपोर्टिंग पूरे शेयर होल्डर्स एट लार्ज, क्रेडिटर्स एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज के लिए की जाती है, उसको अपने बोलते हैं एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ रखा है, जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, सेक्शन 136 डील्स विद दिस कम्युनिकेशन, जो बोलता है कि आपको ईयर एंड पे शेयर होल्डर को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट करने पड़ेंगे। तो यही कम्युनिकेशन कंपनीज एक्ट का भी बैकिंग है कंपनीज के लिए।
डन फटाफट. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ बिजनेस एंटरप्राइज टू स्टेक होल्डर्स. इट इज द रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी एंड कंटेन्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव मैटर्स. रिपोर्टिंग में दोनों चीज होता है, अकाउंटिंग डील्स विद क्वान्टिटेटिव मैटर्स, बट जब रिपोर्टिंग करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और बहुत चीजें आपको अटैच करनी पड़ती है, जैसे बोर्ड रिपोर्ट हो गया, आपका वो माडा रिपोर्ट हो गया फॉर सेबी, एंड उसको वो माडा रिपोर्ट हो गया, बोर्ड रिपोर्ट हो गया, उसके बाद डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स हो गए. ये सारी जो चीजें जो आपको अलग से रिपोर्ट करनी पड़ती है, दीज कंसिस्ट ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी. द फाइनेंशियल रिपोर्ट मेड टू द मैनेजमेंट इज नोन एज इंटरनल रिपोर्टिंग एंड द रिपोर्टिंग मेड टू इन्वेस्टर और शेयर होल्डर इज नोन एज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को. डन. क्वेश्चन नंबर टू अराइजेस, व्हाट मस्ट बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्चुअली होता क्या है, सिंपल वे में बोलूं, जो आपको एनुअल रिपोर्ट सर्कुलेट करना पड़ता है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है. सिंपल, एनुअल रिपोर्ट में क्या आता है, सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं, बैलेंस शीट, एसपीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, उसके साथ साथ ऑडिटर की रिपोर्ट रहती है, डायरेक्टर की रिपोर्ट रहती है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट रहती है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट है. एक गुड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा क्वेश्चन नंबर टू है. चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए. रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी. रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी. रेलिवेंस बोलता है कि आप जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो उसमें सारी रेलिवेंट एंड मटेरियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन वहां से मिस नहीं होनी चाहिए. एंड ऑन दी अदर हैंड इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, बल्कि इन्फॉर्मेशन जिसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है, वो इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होनी चाहिए. एंड रेलिवेंस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ एन इन्फॉर्मेशन. दूसरा, रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, यानी उसमें कोई पर्सनल इंटेंशन, पर्सनल इंटरेस्ट वाला बात नहीं होना चाहिए, वो रिलायबल, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए. तीसरा, अंडरस्टैंडेबिलिटी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब भी हो वो इस तरीके से हो कि जो भी कॉमन मैन है, जिसको बेसिक बिजनेस एंड अकाउंटिंग का नॉलेज है, उसको वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ के समझ में आए और वो डिसीजन मेकिंग कर सके. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपेरेबिलिटी. कंपेरेबिलिटी बोलता है कि जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज हुई है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे यूज होनी चाहिए, ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल रहे. कंपेरेबल रहने से फायदा क्या होता है, वन कैन कंपेयर योर परफॉर्मेंस फ्रॉम योर ओन परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस ईयर्स, और द वन कैन कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर एंटिटीज. तो उससे कंपेरिजन करने से डिसीजन मेकिंग बहुत एफिशियंट होता है. तो रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ये चार बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. और भी अगर आप लिखना चाहो तो ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए. सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखो रिलायबिलिटी वाले पॉइंट में भी कवर होगा. सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलता है इफ कोई ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस यानी सत्य और उसका लीगल फॉर्म डिफरेंट है, तो हमेशा अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ड्राइव होनी चाहिए सब्सटेंस के ऊपर. तो सब्सटेंस शैल ऑलवेज प्रिवेल ओवर फॉर्म. तो ये चार पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी. Information is relevant when it influences the economic decision of users by helping them to evaluate past, present and future events to confirm correct their past evaluations. The relevance of information is affected by its nature and materiality. Next, reliability. Information should be free from material errors and bias. The key aspects of reliability are faithful representation, priority of substance over form, neutrality, prudence and completeness. Comparability. Information should be presented in a consistent manner over time and consistent between entities to enable users to make significant comparison. Understandability. Information should be readily understandable by users who are expected to have reasonable knowledge of business economics and accounting and a willingness to study the information with reasonable diligence. Ye questions बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट कभी भी आपसे पूछ सकता है. तो पहला क्वेश्चन पढ़ा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन ऑफ पब्लिश्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स. दूसरा पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी.
दो तीन चार बार रीड करने से वो क्या होता है ना, अपने आप लर्न हो जाता है. मेरी पूरी थ्योरी मैट 35 to 40 पेजेस की, एंड इट कवर्स एवरीथिंग जो आज तक एग्जाम में आया हुआ है, और उसको छोड़ के भी जो एग्जाम में नहीं आया हुआ बट थ्योरी के लिए बहुत रेलिवेंट है. तो प्लीज रीड इट मोर एंड मोर यू कैन. डन. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अगर बेसिक ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बोलूं तो डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करेगा. अब डिसीजन मेकिंग टू टेयर है. पहला डिसीजन मैनेजमेंट, जो आपका बिजनेस संभाल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, उनको डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए. तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर डे टू डे मैनेजमेंट पर्पज डिसीजन मेकिंग. दूसरा डिसीजन मेकिंग अगर मैं बोलूं तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने आपको क्रेडिट दे रखा है, उनके क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है. तो पहला रिपोर्टिंग, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसीजन मेकिंग, एक मैनेजमेंट को डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए, और दूसरा मेरे क्रेडिटर्स इन्वेस्टर्स को अपने क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए. नेक्स्ट, फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटिटी समझने के लिए, एंटिटी के पास कितने एसेट्स हैं एंड उनके अगेंस्ट क्या क्या क्लेम्स या लाइबिलिटीज है, उनको समझने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी को समझने के लिए बहुत जरूरी है. हम लोगों ने पढ़ा भी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दो ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन बताना है. एंड लास्ट, हमने जो डायरेक्टर के ऊपर भरोसा दिखाया है, उनके हाथ में पैसे दिए ताकि वो हमारा बिजनेस चला सके और उससे रिटर्न कमा के दे सके, क्या वो अपनी स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आवश्यकता है. मैंने 5 पॉइंट बोला, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग बाय द इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, डे टू डे बिजनेस डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी पता करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी पता करना, एंड डायरेक्टर्स लोग अपना स्टीवर्डशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा, उसको पता करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज इम्पॉर्टेंट. फटाफट मैंने मार्क भी कर रखा, हाईलाइट भी कर रखा है, मेकिंग रैशनल एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट डिसीजंस. दूसरा, इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एंटरप्राइज एंड क्लेम्स टू दोज रिसोर्सेज. सिंपली बोलूँ तो फाइनेंशियल पोजिशन, जहां पे एसेट्स और लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन देते हैं. नेक्स्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की डिटेल. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन यूजफुल टू मैनेजर एंड डायरेक्टर फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजन, डे टू डे डिसीजन के लिए. एंड नंबर 5, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मैनेजमेंट हैज डिस्चार्ज इट्स स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर फॉर यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज इंटरेस्टेड टू देम. उनको जो रुपया दिया गया है, क्या वो उसको सही से यूज कर रहे हैं या. ये हो गया पहला पार्ट ऑफ द चैप्टर. दूसरा पार्ट ऑफ द चैप्टर डील्स विद वैल्यू एडेड स्टेटमेंट. वैल्यू एडेड स्टेटमेंट थ्योरिटिकली दो क्वेश्चन है, एक एडवांटेजेस ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, दूसरा लिमिटेशन ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट. अगर किसी ने प्रैक्टिकल कर रखा है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का, तो उसको एडवांटेज लिमिटेशन ऐसे ही पता रहना चाहिए. बट तो भी थोड़ा थ्योरी अच्छे से लिखना है तो बुकिश थोड़ा सा लर्न करना चाहिए. वैल्यू एडेड स्टेटमेंट होता क्या है? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड देता है. ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? वेल्थ क्रिएटेड बाय एन एंटिटी बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ सिक्स पर्संस, इंप्लॉइज, डायरेक्टर्स, लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स एंड एंटिटी. हमारे बिजनेस में सिर्फ पैसा शेयर होल्डर्स ने नहीं लगा रखा है, बहुत लोग हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, जिसको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं. इन स्टेक होल्डर्स के कंबाइंड एफर्ट से बिजनेस ने कितना वेल्थ जनरेट किया है इनके लिए, कितना वैल्यू एड किया है इनके लिए, वो जो स्टेटमेंट हमको बता के देता है वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट या वैल्यू एडेड स्टेटमेंट. वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. बस डिफरेंस क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आप दो जन के लिए बनाते हो, शेयर होल्डर्स और एंटिटी के लिए जो प्रॉफिट कमाया उसके लिए. वैल्यू एडेड स्टेटमेंट आप 6 जन के लिए कमाया हुआ प्रॉफिट निकालते हो, जहां पर डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, इंप्लॉइज, लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर्स, एंटिटी, गवर्नमेंट, इन लोगों के हेल्प से बिजनेस ने कितना वेल्थ जनरेट किया, कितनी वैल्यू एड की है इनके लिए, वो निकल जाता है. डन. दो क्वेश्चन पढ़ना है, एक है एडवांटेजेस, दूसरा है लिमिटेशन. अब देखो बॉस, थियोरिटिकल पॉइंट है पूरा, एंड ये सारे आंसर आपको हमेशा पॉइंट पॉइंट वाइज लिखने चाहिए, कभी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखने चाहिए. एडवांटेजेस लिमिटेशन का कभी भी क्वेश्चन आए, पहले लिखो उसका मतलब क्या है, देन गो फॉर एडवांटेज. पहला एडवांटेज, इट इज एन अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर टू प्रॉफिट. यानी प्रॉफिट भी एक परफॉर्मेंस मेजर है जिससे आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जज करते हो. वैल्यू एडेड स्टेटमेंट भी एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जज करने का तरीका है, और ये अल्टरनेटिव मेजर है प्रॉफिट के अगेंस्ट, एंड देयरफॉर हेल्प्स इन
कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, परफॉर्मेंस डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में हेल्प करता है. नंबर टू, इट हेल्प्स इन जजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी. अगर आप वैल्यू एडेड के साथ रेशियोज यूज करो तो आप कंपनी की प्रोडक्टिविटी जज कर सकते हो कि वैल्यू एडेड पर रुपी ऑफ एसेट एम्प्लॉयड, वैल्यू एडेड पर रुपी ऑफ सेल, अगर आप ये सारे रेशियो कंप्यूट कर लेते हो तो आपको प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी का पता चल सकता है. तीसरा, इट प्रोवाइड्स अ बेटर ऑल्टरनेटिव बाय फोकसिंग ऑन अदर फैक्टर्स रेदर देन जस्ट प्रॉफिट. ये सिर्फ प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करता. प्रॉफिट इज अ नैरोअर अप्रोच ऑफ लुकिंग एट थिंग्स या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स प्रोवाइड यू अ वाइडर व्यू जो आपको फोकस करता है दूसरे एलिमेंट्स में भी रेदर देन जस्ट प्रॉफिट्स. नंबर फोर, इट हेल्प्स इन डिवाइसिंग इंसेंटिव स्कीम फॉर द एम्प्लॉयज. जैसे हम लोग प्रॉफिट लिंक्ड कमीशन देते हैं, एम्प्लॉयज को प्रॉफिट लिंक्ड बोनस देते हैं, वैसे ही वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कंपेयर करके भी आप उनको बोनस और इंसेंटिव स्कीम डिवाइस कर सकते हो. लास्ट, इट रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर व्यू. इट रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर व्यू ऑफ कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर के लिए बनी हुई नहीं है, कंपनी में बहुत लोग जुड़े हैं जिन्होंने अपना पैसा, काम, सब कुछ कंपनी को दिया है. तो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एक ब्रॉडर व्यू है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट. टोटल 5 पॉइंट. पहला, अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर टू प्रॉफिट एंड हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटीज. दूसरा, इट हेल्प्स इन जजिंग द प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग वेरियस रेशियोज लाइक वैल्यू एडेड पर यूनिट ऑफ सेल, वैल्यू एडेड पर रुपी ऑफ एसेट एक्सेट्रा. एम्प्लॉयज के लिए इंसेंटिव स्कीम डिवाइस करने का अच्छा तरीका है. इट फोकसेस ऑन अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स टू रेदर देन जस्ट प्रॉफिट. एंड नंबर 5, इट रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर व्यू ऑफ कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जो जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं उनके लिए कितना वैल्यू एड किया है वो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट आपको बताता है. देन आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को लगता है कोई भी दिन एग्जाम में आ सकता है. लिमिटेशन ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट. वैल्यू एडेड स्टेटमेंट अगर आपने प्रैक्टिकली किया होगा ना, कुछ इश्यूज है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में. वो इश्यूज क्या चीज को रिलेट करते हैं? वो इश्यूज मेनली ये है कि डिफरेंट डिफरेंट आइटम का प्रेजेंटेशन एंड ट्रीटमेंट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से कर देती है. जैसे जो हमारा कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स है, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स के लिए हम डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं उस पर दिया हुआ टैक्स. कुछ कंपनीज बोलती है कि ये शेयर होल्डर के डिविडेंड के पैसे से रिलेटेड है तो ये एक एप्लीकेशन होना चाहिए टुवर्ड शेयर होल्डर. कुछ कंपनीज बोलती है कि नहीं, ये गवर्नमेंट को दिया हुआ पैसा है तो गवर्नमेंट की तरफ हमको एप्लीकेशन दिखाना चाहिए. हमने प्रैक्टिकली गवर्नमेंट की तरफ ही माना है, बट ये विरोधाभास कंपनी के बीच में है. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट व्हेन यू आर फाइंडिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड और नेट वैल्यू एडेड. हम लोग डेप्रिसिएशन को जब ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं तो एक एप्लीकेशन मान के एंटिटी के एप्लीकेशन में ऐड कर देते हैं, बट वहीं जब नेट वैल्यू एडेड निकाला जाता है डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है एज एन एक्सपेंस. नेक्स्ट, इम्प्लॉय के लिए जो स्टाफ वेलफेयर खर्चा हुआ है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है. ये जो स्टाफ वेलफेयर खर्चा है ये इम्प्लॉय के प्रति एप्लीकेशन माना जाए कि बिजनेस का एक्सपेंस माना जाए? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इम्प्लॉय के लिए दिया हुआ है तो इम्प्लॉय के लिए वैल्यू एडिशन माना जाए कि गवर्नमेंट के लिए वैल्यू एडिशन माना जाए? ये सारा जो इनकंसिस्टेंसी है ना, ये थोड़ा सा वैल्यू एडेड स्टेटमेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, अनकंपेरेबल बना देता है. यही एक रीजन या लिमिटेशन है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का. बात समझ में आया? तो वेरियस आइटम्स का ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन डिफरेंट एंटिटीज डिफरेंट तरीके से कर रही है, जिसके कारण ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग और अनकंपेरेबल बन जाता है. यही आपको लिखना है इसके आंसर में. पढ़ते हैं. There is a duality associated with the value added statement in that it reports on the calculation of value added and its application among stakeholders. Value added statement का दो part होता है. पहला part calculate value added, दूसरा होता है application of value added among the 6 person या stakeholders. Many inconsistencies are found in practice in both calculation and presentation of value added. These inconsistencies make the statement confusing, non-comparable and unverifiable. Confusing, non-comparable, unverifiable. The main areas of inconsistencies include: pehla, treatment of depreciation; dusra, treatment of taxes like pay as you earn, fringe benefit, other benefit in the employee share of value added; teesra,
टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्शन और सेल्स, द ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेस सच एज वैट, जीएसटी एंड डेफर्ड टैक्स, द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को कुछ कंपनियां ऊपर ही ऐड कर देती है इनकम बोल के, कुछ कंपनी आफ्टर ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऐड करती है. This has resulted in a company having more than one possible value-added figure, and that the allocation of value-added between stakeholders can be presented in different ways. So, limitation सिर्फ यही है कि value addition के calculation और presentation में inconsistencies है, जिसके कारण वो unverifiable, confusing और non-comparable हो जाता है. Please write these examples in your answer, otherwise you'll not get marks. तो पहले value-added statement का definition दिया, फिर limitation लिख दिया. अब वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के बाद इस चैप्टर का तीसरा पार्ट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एंड जो उसमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है करेक्टिव एक्शंस टू इंप्रूव ईवीए. अगर आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब पता है तो करेक्टिव एक्शंस इज वेरी इजी. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता क्या है, ये भी एक वैल्यू एडेड या प्रॉफिट को सोचने का तरीका है. इट इज द एस्टिमेट ऑफ फर्म्स इकोनॉमिक प्रॉफिट, एंड इट इज नथिंग बट द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड या बाय द स्टेक होल्डर जिन्होंने पैसा लगा के रखा है बिजनेस में. तो ये क्या है ना, प्रॉफिट को सोचने का एक और तरीका है जहां पे हम बिजनेस के प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अवर ऑफ द पर्सन हु हैव एम्प्लॉयड कैपिटल इन द बिजनेस या ऑफ अवर कैपिटल प्रोवाइडर्स. और अगर मैं मेरे कमाए हुए प्रॉफिट से उनकी एक्सपेक्टेशन माइनस कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. अगर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पॉजिटिव है तो मेरी फर्म ने या मेरी कंपनी ने क्रिएट किया है वेल्थ, और अगर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड नेगेटिव है तो मेरी कंपनी ने डिस्ट्रॉय किया है स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स वेल्थ. तो क्या हुआ, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज एन एस्टिमेट ऑफ फर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट. The value created in excess of the required return of the company's investors, that is shareholders and debt holders. It is a registered trademark of Stern Stewart and Company. Stern Stewart of Company and Company USA की एक research agency है, उनका एक trademark लिया हुआ और ये formula उन्होंने invent किया था. EVA is net operating profit after tax less capital charge. Capital charge is nothing but the expected return of the capital providers. अगर formula wise बोलूं तो capital employed into their related cost of capital. तो EVA का formula होता है NOPAT, net operating profit after tax minus capital employed into cost of capital. तो अगर आप NOPAT से capital charge minus कर दो, you will get economic value added. So simply, it is the measure of firm's economic profit. It is the profit earned by the firm over and above the expected return of the capital providers. और तीसरा, अगर ये positive है तो firm ने create किया है wealth, अगर ये negative है तो firm ने destroy किया है wealth. Economic value added का formula होता है NOPAT minus capital charge. Capital charge क्या होता है, capital employed into cost of capital. Question arises, corrective action क्या ले अगर मेरे को अपना EVA improve करना है. आप अगर formula को देखो, NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इन टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर मेरे को ईवीए बढ़ाना है तो पहले बताओ NOPAT बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा. बढ़ाना पड़ेगा, यानी मेरे जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उनको इंक्रीज करना होगा. अगर मेरे को ईवीए कम करना है, बढ़ाना है, तो दूसरा साइड मेरे को कैपिटल चार्ज कम करना होगा. अब कैपिटल चार्ज कम करने का दो तरीका, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम करो और दूसरा हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करो. तो अगर मेरे को ईवीए को इंप्रूव करना है तो या तो मेरे को नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना पड़ेगा. बस वही इसका आंसर है. आपको आंसर थोड़ा सा आईसीएसआई की भाषा में लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए मैंने आंसर थोड़ा इंस्टीट्यूट मैट का दिया है. मैंने आगे हेडिंग्स लिखा है जो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि ये कैसे काम करेगा. पहला, इंक्रीज NOPAT, प्रॉफिट बढ़ाओ. अब प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो आप, प्रॉफिट बढ़ाओगे अगर आप अपनी ऑपरेटिंग मार्जिन्स, एसेट टर्नओवर रेशियो, डेट टर्न एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग मार्जिन्स या प्रॉफिट रेशियोज हो गया, अगर आप उनको इंप्रूव करते हो तो आपका NOPAT बढ़ेगा. उनको इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाओ जहां पे हायर ऑपरेटिंग मार्जिन्स है और उन प्रोजेक्ट से पैसे निकाल लो जहां पे लोअर ऑपरेटिंग मार्जिन्स है. तो पहला NOPAT बढ़ाना है. ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और एसेट टर्नओवर रेशियो कुड बी इंप्रूव्ड टू जनरेट मोर रेवेन्यू विदाउट यूजिंग मोर कैपिटल. उतनी ही कैपिटल लगा के ज्यादा रेवेन्यू कमाएंगे जिससे ज्यादा प्रॉफिट आएगा. तो मेरे को ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव करनी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने हैं. दूसरा, अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड. बट कैपिटल एम्प्लॉयड रिड्यूस करना मतलब बिजनेस का
बिजनेस का साइज को स्केल डाउन करना जो कि सही नहीं है। तो यहां पे अगर आप एक वर्ड पढ़ोगे लिखा हुआ है रिड्यूस अनयूटिलाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे लिए काम का नहीं है या जो प्रॉफिट जनरेट नहीं करना है उनको, उन कैपिटल एम्प्लॉयड को आप निकाल लो। तो वेस्टफुल एसेट या अंडर यूटिलाइज्ड एसेट से पैसे निकाल कर ऐसे जगह पैसे लगाओ जहां पे वो रिटर्न कमा के दे। तो सेकेंड, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस माइट बी रिड्यूस्ड बाई सेलिंग अंडर यूटिलाइज्ड एसेट। दिस स्ट्रेटेजी विल साइमल्टेनियसली इंप्रूव ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थ्रू हायर एसेट टर्नओवर रेशियो एज वेल एज रिड्यूस्ड कैपिटल चार्ज अगेंस्ट दोज अर्निंग बिकॉज ऑफ अ रिड्यूस्ड डेट और इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दो फायदा होगा, अगर खराब जगह से पैसे निकाल लोगे और अच्छे जगह पे पैसे लगाओगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव होगी, और दूसरा कैपिटल अगर कम रहेगा तो जो कैपिटल चार्ज था यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा, इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, वही पहला नोपैड बढ़ाना है आपको। रीडिप्लॉय द कैपिटल इन्वेस्टेड टू प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज दैट हैव हायर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देन द करेंट प्रोजेक्ट्स। अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ जहां पे हायर ऑपरेटिंग मार्जिन या हायर प्रॉफिट मार्जिन है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करो। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने का स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि जो हायर कॉस्ट इक्विटी है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो लोअर कॉस्ट डेट से। लोअर कॉस्ट डेट लेने से एक रिस्क आता है फर्म में, बट अगर आपके ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे हैं तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो अपने को क्या करना है, हायर कॉस्ट इक्विटी को रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करना है लोअर कॉस्ट डेट से, जिससे मेरा वेटेड एवरेज या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ द बिजनेस इज नॉट हाईली लिवरेज्ड चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर बाय सब्स्टिट्यूटिंग लोअर कॉस्ट डेट फॉर हायर कॉस्ट इक्विटी। सब्स्टिट्यूटिंग लोअर कॉस्ट डेट मतलब लोअर कॉस्ट डेट को लेके आओ, हायर कॉस्ट इक्विटी को रीपे कर दो। Although this last strategy will decrease net income, but because of high interest cost, it will improve EVA because total cost of debt and equity will be reduced. And EVA measures the value created after all cost of capital have been taken into account. Though interest cost will increase, but kyunki aapka overall cost of capital kam ho jayega, expectation kam ho jayegi, to aapka EVA improve kar jayega. To ye corrective action mein dekha kya? NOPAT badhao. आप अपना एसेट टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ाओ। नोपैट बढ़ाने का दूसरा तरीका, कैपिटल जो है वो अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाओ जिन पे हायर ऑपरेटिंग मार्जिन है। तीसरा, कैपिटल एम्प्लॉयड कम करो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कम करना है, जो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट है उनको बेच दो और उनका जो पैसा निकला वो अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाओ ताकि आपका ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव हो। चौथा, रिड्यूस करो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे, सब्स्टिट्यूट करो लोअर कॉस्ट ऑफ डेट फॉर अ हायर कॉस्ट ऑफ, मतलब हायर कॉस्ट ऑफ डेट निकालो और लोअर कॉस्ट डेट को सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, जिससे आपका एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगा और ईवीए बढ़ जाएगा। तो ये ईवीए से दो क्वेश्चन बहुत बार इंस्टीट्यूट पूछता है। नेक्स्ट पार्ट, एडवांटेजेस ऑफ ईवीए एनालिसिस। ये भी प्रॉफिट का अल्टरनेटिव मेजर है, तो ये प्रॉफिट का अल्टरनेटिव मेजर प्रोवाइड करता है। इसका एक ब्रॉडर स्कोप है क्योंकि ये सिर्फ शेयर होल्डर्स को टेक इनटू अकाउंट नहीं करता, सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को टेक इनटू अकाउंट करता है। इसके थ्रू भी आप चाहो तो इंसेंटिव स्कीम डिवाइस कर सकते हो। तो वो सारा बात जो वैल्यूएटेड स्टेटमेंट में था ना, ऑलमोस्ट सेम बात इसमें बोला हुआ है। पढ़ते हैं। पहला, अ हायर ईवीए इंप्लाइज हायर बोनसेस टू द एम्प्लॉइज। मतलब इंसेंटिव स्कीम डिवाइस करने में आपको हेल्प करेगा। अगर आपने वर्कर्स ने अच्छा काम किया, एम्प्लॉइज ने अच्छा काम किया तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ, प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो हम उनको ज्यादा बोनस देंगे। दूसरा, कंपनी कैन इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंटली। हर प्रोजेक्ट्स को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट किया जा सकता है। जिन प्रोजेक्ट्स का ईवी अच्छा है उनको अडॉप्ट करना है, जिनका ईवी अच्छा नहीं है उनको छोड़ देना है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ऑफ द कंपनी इन मॉनिटरिंग द प्रॉब्लम एरियाज। जहां जहां प्रॉब्लम्स है, जहां जहां कम प्रॉफिट्स है, जहां जहां लोअर ऑपरेटिंग मार्जिन है, उनको इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है और उनके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन लेने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ईवीए इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट बिजनेस मस्ट कवर बोथ द ऑपरेटिंग कॉस्ट एज वेल एज द कैपिटल कॉस्ट। क्योंकि हमने आफ्टर प्रॉफिट से, प्रॉफिट में ऑपरेटिंग कॉस्ट सारे माइनस हो चुके हैं, उसके बाद हमने कैपिटल का एक्सपेक्टेशन कवर किया है, तो हमने ईवीए निकालकर दोनों चीज को कवर कर लिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ साथ कैपिटल कॉस्ट को। तो ये ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग, हेंस इट प्रेजेंट्स अ बेटर एंड ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनी। लास्ट, इट हेल्प्स द ओनर टू आइडेंटिफाई द बेस्ट पर्सन टू रन द कंपनी इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली। जिस मैनेजर का प्रोजेक्ट में अच्छा ईवीए है, अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन है, ही इज द वन टू रन द बिजनेस, तो उसको अपॉर्चुनिटी और दी जाए। तो पहला, इंसेंटिव स्कीम डिवाइस करने के लिए, हायर ईवीए इंप्लाइज हायर बोनस। दूसरा, कंपनी प्रोजेक्ट्स को इंडिपेंडेंटली इवेल्यूएट कर सकती है। तीसरा, मॉनिटर प्रॉब्लम एरियाज को मॉनिटर किया जा सकता है और करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। चौथा, यहां पर हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ साथ फाइनेंसिंग कॉस्ट को भी या कैपिटल कॉस्ट को भी कवर करते हैं, तो ये ट्रू पिक्चर प्रोवाइड करता है। नंबर 5, इट हेल्प्स द कंपनी टू आइडेंटिफाई द बेस्ट पर्सन टू रन द कंपनी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देन लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर,
मार्केट वैल्यू एडेड एंड शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड से थ्योरी आने का चांस कम है बिकॉज बहुत कम पार्ट है, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी। मार्केट वैल्यू एडेड क्या होता है ना, कंपनी ने आज तक अपने शेयर होल्डर के लिए कितनी वेल्थ क्रिएट की है उसका मेजर है मार्केट वैल्यू एडेड। अगर मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूले को समझाऊं तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल लेस द बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। मतलब लोगों ने जो कैपिटल लगाया था, जो बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल हमारी बैलेंस शीट वैल्यू है, उससे मार्केट वैल्यू में कितना डिफरेंस है, दैट इज मार्केट वैल्यू एडेड। तो जो पैसा लगाया था और आज जो उसका वैल्यू चल रहा है, मार्केट वैल्यू चल रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है, उसके हिसाब से कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए कितना वेल्थ क्रिएट किया है, दैट इज नोन एज मार्केट वैल्यू एडेड। फॉर्मूला वाइज इट MVA या मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर MVA पॉजिटिव है, कंपनी ने आज तक वेल्थ क्रिएट किया है। अगर MVA नेगेटिव है, कंपनी ने वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है। अगर आप कंपनी का हर साल के प्रॉफिट का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो तो भी आपको मिल जाएगा मार्केट वैल्यू एडेड। सो इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर EVs। फ्यूचर के जितने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मिलने वाले हैं उनका आज के दिन का वैल्यू जो है, जो वेल्थ क्रिएटेड है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू एडेड। तो मार्केट वैल्यू एडेड इज अ मेजर ऑफ शेयर होल्डर वैल्यू। इट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज मार्केट एंड बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इफ MVA इज पॉजिटिव, द कंपनी हैज मैनेज टू क्रिएट वेल्थ। ऑन द कॉन्ट्रारी, इफ नेगेटिव, MVA डिपिक्ट्स दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। MVA का फॉर्मूला मार्केट वैल्यू एडेड माइनस बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज द सम टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर EVs। जितने भी फ्यूचर में EV आने वाली है उनका अगर आप टोटल कर दो प्रेजेंट वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू एडेड। छोटा सा क्वेश्चन है, 3 मार्क में कभी भी आपके पास शॉर्ट नोट आ सकता है। ये मार्केट वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में मेक इट अ पॉइंट कि आप लिख रहे हो इनका फॉर्मूला क्या है। तो एक पॉइंट तो फॉर्मूला ही कवर कर लेगा, फॉर्मूला को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दोगे तो डेफिनेशन दूसरा पॉइंट हो जाएगा। फिर पॉजिटिव है तो कंपनी ने क्रिएट किया है वेल्थ, नेगेटिव है तो कंपनी ने डिस्ट्रॉय किया है वेल्थ। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, इट इज वेरी क्लोज टू मार्केट वैल्यू एडेड, सॉरी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, वेरी क्लोज। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में भी हमने देखा कंपनी ने अपने शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन या डेट प्रोवाइडर्स की एक्सपेक्टेशन, जो कैपिटल प्रोवाइडर्स है उनकी एक्सपेक्टेशन से कितना ज्यादा कमा के दिया है। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड भी वही है, बस फर्क इतना है शेयर होल्डर कैश फ्लोज, कैश फ्लो वाले प्रॉफिट को या कैश प्रॉफिट को कंसिडर करता है, जबकि EVA कैश नॉन कैश सारे प्रॉफिट को कंसिडर करता है। पढ़ते हैं, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक प्रॉफिट्स जनरेटेड बाई बिजनेस अबव एंड बियॉन्ड द मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाई ऑल प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। उनका जो मिनिमम रेट डिजायर्ड है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न डिजायर्ड है, उससे ज्यादा जितना कंपनी ने कमा के दिया है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, विच इज एकदम सेम एज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। वैल्यू इज एडेड व्हेन ओवरऑल नेट इकोनॉमिक कैश फ्लो, ये वर्ड जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नेट इकोनॉमिक कैश फ्लो या नेट कैश प्रॉफिट्स है ऑफ द बिजनेस एक्सीड्स द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ऑल द कैपिटल एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जितना वो लोग हमसे डिजायर करते हैं, रिक्वायर करते हैं रिटर्न, उससे ज्यादा जितना हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज उनके लिए कमा के दिया है वही हमारा शेयर होल्डर वैल्यू एडेड है। तो EVA में हम लोग प्रॉफिट्स कंसिडर करते हैं, जो कैश प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है, बट हम लोग जब शेयर होल्डर वैल्यू एडेड कंसिडर करते हैं तो हम लोग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज या ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट्स पर ध्यान देते हैं। Therefore, SVA integrates financial statements of the business, profit and loss, balance sheet and cash flow into one meaningful measure. Profits PL से मिलेगा, capital providers का जो लगाया हुआ पैसा वो balance sheet से मिलेगा, और cash profits के लिए cash flows को देखना होगा। तो आपका ये जो SVA है, ये सारे financial statements को एक meaningful measure में convert कर देता है। तो it is nothing but the economic profit generated by a बिजनेस अबव एंड बियॉन्ड द मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स। दूसरा, वैल्यू इज एडेड व्हेन द ओवरऑल नेट एम्प्लॉय नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज ग्रेटर देन द मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द कैपिटल प्रोवाइडर्स। बेनिफिट्स सिंपल है, वही इवैल्यूएट करना है परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, बेटर मेथड है देन प्रॉफिट। Overall, value-based performance measure will result in greater accountability for the investment of new capital as well as for the use of existing investment. जो directors है, जो board of directors है, जो पैसा को use कर रहे हो, उनमें accountability create करता है कि आप जो पैसा use कर रहे हो उससे जो revenue generate कर रहे हो क्या वो cash flow में convert हो पा रहा है या। दूसरा, कंपनी का इवैल्यूएट करने के लिए परफॉर्मेंस, इट इज अ मीनिंगफुल प्राइवेट सेक्टर बेंचमार्क टू इवैल्यूएट कंपनीज परफॉर्मेंस।
मैनेजर विल बी प्रोवाइडेड विद एन इम्प्रूव फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू. उनको एक नया फोकस मिलेगा कि शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइज करना, उसके लिए हमको कैश फ्लोज जो है रेवेन्यू से जो कैश फ्लो आना चाहिए उनको जनरेट करना है. हमको प्रॉफिट्स पे ध्यान देने से ज्यादा कैश फ्लोज पे ध्यान देना है कि हम उस प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. तो तीन, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू कैपिटल. दूसरा, अ मीनिंगफुल प्राइवेट सेक्टर बेंचमार्क फॉर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस. तीसरा, इम्प्रूव फोकस ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ. जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है इस टॉपिक से वो है ड्रॉबैक ऑफ SVA. अगर आप सारे पॉइंट्स पढ़ोगे ना, इंस्टीट्यूट ने एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट किया. क्या पॉइंट है? बोला गया शेयर होल्डर वैल्यू एडेड है ना, वो अकेला परफॉर्मेंस मेजर काफी नहीं है, उसको दूसरे परफॉर्मेंस मेजर के साथ यूज करो. बिजनेस के जो दूसरे बिजनेस वैल्यू ड्राइवर्स है, जो दूसरी चीजें जो बिजनेस को ड्राइव करती है, उनको भी कंसिडर करो वाइल कैलकुलेटिंग या इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. यही है शेयर होल्डर वैल्यू एडेड का लिमिटेशन. तो शेयर होल्डर वैल्यू एडेड इज नॉट the only performance measure. It is not the substitute to other measures. It is a complementary thing. जो आप उनके साथ मिला के यूज करो तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे. Then, पढ़ते हैं. पहला, a limitation in the use of SVA as a performance measure is that it by nature it is an aggregate measure. In order to analyze the underlying causes of any changes calculated value between years, it is necessary to fully comprehend the value drivers and activity specific to a given firm. ये aggregate measure है, ये आपको total में बात समझाता है, but अंदर का जो बात है, जो each value driver में problem है, वो आपको अलग से analyze करना पड़ेगा. दूसरा, combined with use of traditional accounting measure, a thorough knowledge of value drivers of the business will assist in determining other underlying causes of fluctuation. इससे अकेले से नहीं होगा, आपको दूसरे accounting measure से इसको मिलाना होगा और नॉलेज रखना होगा वैल्यू ड्राइवर्स का, जिस चीज से बिजनेस इफेक्ट होता है, तभी आपको बिजनेस का फ्लक्चुएशन में क्या हो रहा है उसका अंडरलाइन कॉजेस पता चलेगा. Next, use of SVA is not a substitute for detailed analysis of business driver. It is not a substitute. It is a complementary thing. तो आपको detailed analysis of business driver करना जरूरी है. Rather, it is an additional measurement tool with economic foundation. There may be certain enterprises which are subject to any degree of price regulation. Then it may not be possible for management to adjust output prices to achieve a commercial return in response of upward movement in input prices. जिन industries में, जैसे petrol हो गया, जो prices government द्वारा controlled रहते हैं, prices regulated रहते हैं, अगर किसी company का input price बढ़ता है तो वो अपना output price change भी नहीं कर पाता है, क्योंकि because of regulations of the government in pricing. So उन industry के लिए ये SVA वाला चीज ठीक नहीं है. इसीलिए बोला गया था private sector benchmark. Public sector क्योंकि price regulations के under रहता है, वहां पर ये use करना possible नहीं है. तो अगर point easily learn करना है, पहला point learn करो, not a substitute for detailed analysis of value drivers. दूसरा point, क्योंकि प्राइस रेगुलेटेड इंडस्ट्री में आउटपुट प्राइस चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो SVA इज नॉट अ गुड मेजर. तीसरा, आपको दूसरे अकाउंटिंग मेजर के साथ यूज करना और थोड़े नॉलेज चाहिए वैल्यू ड्राइवर्स का. चौथा, इट इज एन एग्रीगेट मेजर. अगर आपको बिजनेस का सारा अंडरलाइन कॉजेस समझना है तो वैल्यू ड्राइवर्स को एनालाइज करना भी पड़ेगा. ये अपना चैप्टर था कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. आई एक्सपेक्ट 5 to 8 मार्क्स का पक्का थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. होप सारी बात आपको क्लियर है. ये वाला जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ शीट है वो मैं आपको लिंक में दे देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ यूट्यूब. हैप्पी लर्निंग, एंजॉय द वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस एज मच एज पॉसिबल. बाय बाय.